किया है, तो बहरहाल गर्दन से भी हो सकता है, हाथ से भी हो सकता है, और अल्लाह के रसूल दूर वाले लोगों को इशारे से सलाम करते थे। किसी ने सवाल किया कि आजकल लड़कों ने आम मामूल बना लिया पर्दे वाली बिना पर्दे वाली सबको छेड़ के तौर पर सलाम करते हैं, तो ऐसे लोगों के सलाम का जवाब दे या ना दे। अच्छा सवाल आया किसी का, प्रैक्टिकल सवाल है कि बहुत सी बार जो है नौजवान लड़के जो है वैसे तो अपने बाप को भी सलाम नहीं करते कभी, लेकिन रास्ते पे सबको सलाम करते रहते हैं, तो इस मामले में जो है क्या है, क्या ये इनका ऐसा सलाम करना और ये अमल क्या दुरुस्त है। तो बहरहाल मैं ये कहूँगा, जो गैर महरम का जहाँ मामला है, कुछ हदीसों में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात को सलाम करते थे, और उसमें अल्फाज ये आते हैं कि आप इशारे से करते थे सहाबियात को, चूँकि नबी कौम के लिए एक बाप की हैसियत रखता है। उसकी दलील ये है कि नबी की बीवी को अल्लाह ने जो है उम्महात कहा, कौम की माँ कहा, तो इससे पता चला नबी एक वालिद की हैसियत रखता है, चूँकि उसकी बीवियाँ माँ की हैसियत रखती हैं। तो जाहिर सी बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियात भी सलाम करती, और आप सहाबियात तो करते लेकिन इशारे से क्या करते थे, इशारे से सहाबियात को, चूँकि दुरुस्त नहीं किसी की तरफ आवाज़ देना करना, एक खातून है पर्दे का मामला है, तो तब आता रिवायत में आप इशारा किया करते थे हाथ से, जब सहाबियात आपको सलाम करती आप उसको उनको जवाब दिया करते, तो इससे पता चला गैर महरम को सलाम किया जा सकता है। बात समझ रहे? लेकिन उम्महातुल मोमिनीन को वहीं ये भी कहा गया कि जो लोग आपके घर पर आए नबी की गैर मौजूदगी में, तो आप उनसे नर्म आवाज़ में बात ना करें, वरना हो सकता है जिसके दिल में मर्ज हो वो मर्ज बढ़ जाएगा, और बीमारी हो तो बीमारी बढ़ जाएगी। तो पता ये चला कि अगर कोई गैर महरम मर्द सलाम करता है तो खातून दिल में जवाब दे ले, बोलने की ज़रूरत नहीं उसको ज़बान से, वरना हो सकता है आपके जवाब की वजह से उसकी नीयत पता नहीं क्या है, आप तो खुले दिल से, लेकिन उसकी नीयत अगर कोई गलत हो तो, क्यों तो आजकल ऐसा होता है जवाब आ गया मतलब मामला सेट है, जवाब नहीं आया मतलब मामला भी जारी रखना है सलाम, ये रिस्क है। तो जाहिर सी बात है ऐसे समाज में क्या होगा कि औरत दिल में जवाब दे दे, तो अगर कोई उसको सलाम करता है तो दिल में जवाब दे दे और वहाँ से खामोशी निकल जाए। इसलिए कि फिर ज़रूरी नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग पर्दे वाली लड़कियों को भी इस तरह से करते हैं, बगैर पर्दे की भी करते हैं, लेकिन ये एक बहुत संजीदा मसला है। इस मामले को उम्मत अगर संजीदगी से ले और अपना एक मिजाज बनाए कि देखिए पर्दा, एक तो एक खातून वैसे ही पर्दा कर रही है, अपने आप को बचाना चाहती है, और उस पर भी लोगों का मैंने देखा है कि एक ज़माना था पर्दा एक ऐसी चीज़ थी, और आज भी गैर मुस्लिमों के लिए पर्दा एक ऐसी चीज़ है कि जो एक जेड सिक्योरिटी से ज़्यादा वो डरते हैं उससे, पर्दे वाली औरत मतलब इससे आगे कुछ नहीं, आखिरी हद है हमारे लिए, हम कुछ नहीं कर सकते, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है मुस्लिम नौजवानों ने ये एक शैवार शार निकाला है कि हर किसी को छेड़ रहे बस, इसलिए कि बस वो एक मिजाज बन गया है। तो उम्मत इसके लिए कुछ हल निकाले। मैं समझता हूँ गैरतमंद नौजवान भी बहुत सारे होते हैं, इसके हल बहुत आसान है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल है, बहुत से लोग करते हैं, निकालिए ऐसे हल कि उनको समझ में आ जाए कि सलाम का जवाब आप लोग दीजिए, फिर जाकर उनको तो उनको हल निकल जाएगा, मसले का हल होगा। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, वो एक को छेड़ते हैं, कल दो को छेड़ते हैं, कल फिर जब मेरी बीवी को या बहन को छेड़ते हैं, जब मुझे जोश आता है मेरी बीवी को छेड़ दिए, तो उनके लिए अब कोई फ़र्क नहीं है ना। अब पर्दा जो एक फ़र्द था, एक हया, एक इफ़्फ़त, अब उसको भी अगर नहीं छोड़ते हैं तो बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, याद रखिए मुसलमान नौजवानों की। इसलिए कि तुम खुद लोगों के लिए दलील बनते हो और अपनी माँ बेटी और बहनों की इज़्ज़त उछालने की तुम खुद वजह बनते हो। लिहाजा बहरहाल सलाम जो है अगर गैर महरम आपको करता है, जो लड़कियों को जिस तरह से पर्दे और बगैर पर छेड़ने की नीयत से, मैं कहूँगा दिल में जवाब, चूँकि अगर नीयत नहीं मानो तो दिल में जवाब देते हो निकल जाइए, ये बेस्ट चीज़ है। इसलिए कि वरना आप जवाब देंगे तो हो सकता है उसका दिल जो है या वो बुरी नीयत से आए, तो ये तो जवाब सलाम का कोई ज़रूरी नहीं आप तेज दे, ये अलग बात है। मर्द को अगर कोई मर्द करे तो वो जवाब देगा, आवाज़ से देगा, औरत को औरत करे तो आवाज़ से, लेकिन चूँकि यहाँ मसला ये है कि आप नहीं जानते हो कैसा है, दिल में जवाब दे निकल जाए। और मैं ये कहूँगा कि गैर महरम लड़कियों को खास सलाम करने की मर्दों को ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि बात करने से पहले सलाम करो, हदीस में अल्फाज है ना, तुम्हारी बात ही नहीं तो फिर सलाम की ज़रूरत क्या है, ठीक। इसलिए कभी कभार होता है अगर तुम खास सलाम करोगे दुरुस्त, यहाँ आम सलाम हो सकता है, ऐसा एक ग्रोह जा रहा है मर्द और औरतों का, अस्सलाम वालेकुम, मर्द भी है औरतें भी है, तो हो सकता है ना कि आप मर्द की तरफ इशारा करें अस्सलाम वालेकुम, सब जवाब दे दे उसमें, ये हो सकता है। लेकिन ख़ास तौर से करना मैं समझता हूँ ये भी फिर एक दावत देगा लोगों को, इसलिए कि बात नहीं है आपकी, कोई कलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं, तो फिर जाने वो ज़्यादा बहरहाल इस मामले में बेहतर है, दिलों की पाकिस्गी के एतबार से भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई।